ही दूरी पर स्थित ग्राम बिरगोद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की बालिकाओं ने अव्यवस्था को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन सौंपा किया। वहीं बालिकाओं ने अनुविभागीय अधिकारी को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि छात्रावास संचालक और चपरासी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करते हैं, जैसे समय पर भोजन नहीं मिलना, बच्चों के साथ मारपीट करना जैसे मानवीय कृत्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत करने पर बालिकाओं को धमकाया जाता है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल द्वारा मामले में टीम गठित कर जांच करने की बात कही गई। अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। नाम है बेटा आपका? और आप कौन से छात्रावास में है? कन्या छात्रावास में। आपके साथ क्या होता है वहाँ पे छात्रावास में? हमें आंटी जी मारती भी है और ना रात को दिन में 1-1 बजे खाना मिलता है। और रात को कितने बजे खाना मिलता है आपको? 10-11 बजे। और आपको क्या बोलती है मैडम वहाँ पर? मैम तो सुबह शाम आती है। मैम सुबह शाम आती है तो वहाँ पे जो कोई भी तो रहता होगा ना वहाँ पर, वो डराती है हमको, हम कुछ कहते हैं। क्या और पढ़ाई वगैरह करवाती है कि नहीं आपको ट्यूशन स्कूल से आने के बाद में? कुछ नहीं होता। आपको भी कुछ बोला मैडम ने? वो आंटी जी बोलती है कि आप पापा मम्मी को बोलते हैं ना हमको तकलीफ होती है, तो बोलती है पापा मम्मी को तो बोल देंगे, फिर हम आप कैमरे बंद करके आपको मारेंगे भी सही। मारेंगे भी सही आपको ऐसा धमकी भी देती है? आपने भी बोल रही थी कि मेरा भाई तो पुलिस में, तुमको फिर मैं तुमको अंदर भी करवा दूंगी। आप बड़ी मैडम से शिकायत की थी वहाँ पर आपने? बड़ी मैडम तो उनसे मिली हुई है। उनसे मिली भी है? और क्या क्या परेशानी आती बेटा वहाँ खाने में? इनमें जो बेड थे ना वो भी हटा दिए और एक बिस्तर पे तीन तीन चाचा लड़के उनको सुलाते, तीन तीन चाचा लड़के को सुलाते हैं। और रात में क्या होता है वहाँ पे? चिल्ला चोट भी करते कोई? ना कैमरा बंद कर देते और वो है ना हमको डांटते और चिल्लाते और मारते भी। और कुछ भी होता है वहाँ पर? पंखा भी नहीं चलता और है ना फैन भी नहीं चलता। फैन भी नहीं चलता है? क्या क्या हुआ बेटा, क्या बोलते हैं मैडम? लड़की को डरा दोगे ना तो उसको बोलती है कि तेरे को दरवाजे के पास सुलाओ, दरवाजे वाली लड़की के पास। आपको मतलब उसके पास सुलाते हैं दरवाजे वाली लड़की के पास में? क्यों सुलाते आपको वहाँ पे? आपने मना नहीं करा उनको? उनको बोलने भी नहीं देते उनके सामने। मारती वगैरह भी आपको लोगों को? हाँ।